बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बेल्स ऑफ, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी। एचबीएल पीएसएल के मुकाबलों की बात होगी इस प्रोग्राम में रोज की तरह, लेकिन आज कुछ खास बात है इस प्रोग्राम में। वो खास बात यह है कि लाहौर कलंदर जो काफी पीछे जा रहा था, कल उसकी एक बेहतरीन कामयाबी देखने में आई, जिसमें दोबारा परफॉर्म करते नजर आए हमें बेन डंक, जिन्होंने 12 छक्के मारे, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा जो कि 10 छक्कों का था इस पीएसएल 5 में। वो उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा, बेहतरीन इनिंग देखने में आई, बेहतरीन मैच था। कराची ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन लाहौर ने जब खेलना शुरू किया तो लाहौर के जो स्टार्टिंग बैट्समैन थे वही तमाम तर रिकॉर्ड जो उनका टारगेट था पूरा करते गए, और उसके बाद कामयाबी भी उन्होंने हासिल कर ली। और उसके बाद अब लाहौर कलंदर जो है 7 मैचेस के बाद 6 पॉइंट्स के साथ और 5वें नंबर पर आ चुकी है। बदी उसमा मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बदी, कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र है, बहुत दिनों बाद आप वापस आए। बस 2-3 दिन था। अच्छा, 2-3 दिन बाद आए। अच्छा बदी, कल का मैच आउटस्टैंडिंग बैटिंग बेन डंक की, साथ में सोहेल ने उनका अच्छा पार्टनरशिपिंग दी उनको, और कराची की भी नो डाउट बैटिंग बुरी नहीं थी, बहुत अच्छा टारगेट दिया गया था, लेकिन कल लाहौर कलंदर ने क्या हिकमत अमली अपनाई जो इतना बेहतरीन परफॉर्म कर सकी? अब मेरे ख्याल में उन्होंने जो सबसे बड़ी बात थी उनकी इनिंग्स में, उन्होंने बेन डंक को जो है ना एक फ्री हैंड दिया हुआ है, उनको यही कहा हुआ है कि आपने जाकर जो है वो खेलना है और जो आपका नेशनल गेम है उसी को खेलना है। और बेन डंक ने जब देखें, जब 2 आउट हो गए थे लाहौर के, तो वहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कराची इसको कवर कर लेगा, लेकिन जब बेन डंक आए तो उस वक्त हालांकि कप्तान का स्कोर जो 30-32 रन पर वो खेल लेते, लेकिन डंक ने आकर वो जो एक एंड संभाला, और ख़ासतौर पर वो रुके नहीं है, जो भी उनको गेंद मिला उस पर उन्होंने हिट किया। और आप देखें कि एक होता है तो बॉलर फील्डर भी डर रहे थे उनसे, उनके कैच पकड़ने के लिए देखा गया कि उनको खौफ था कि इतनी हिटिंग उनकी इतनी पावरफुल थी। मसला ये कि जब उनके बैट पे पूरा गेंद आ रहा था, ये नहीं होता कि बहुत T20 क्रिकेट में ऐसा होता है कि जब भी आप पावर हिटिंग कर रहे होते हैं, जब आप मार रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि एज भी लगता है और उसमें भी चौका ऐसे हो जाता है, लेकिन कल आप देखेंगे 12 छक्के लगे उनकी तरफ से, एक भी छक्का ऐसा नहीं था जो हम कह सकें कि सिर्फ उन्होंने मारा कहीं और गया कहीं और, जहां उन्होंने चाहा कंफर्म। अब देख, इमाद वसीम को जो 3 छक्के उन्होंने मारे वो बिल्कुल कंफर्म अपनी जगह पे मारे, फिर आमिर को जो क्लास का छक्का उन्होंने जब सेकेंड लास्ट ओवर में दिया, फिर उसके अलावा उमर के खिलाफ उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। तो मेरे ख्याल में कल बेन डंक को जो है ना लाहौर ने यही टास्क दिया था कि सोहेल अख्तर का ऊपर आना, वो यही था कि अगर रन्स कम होते हैं, क्योंकि सोहेल अख्तर भी तेज़ खेलते हैं, तो कल उन्होंने कप्तान वाली इनिंग जो खेलनी चाहिए थी उन पर ड्यू थी, वो इनिंग भी खेली है। और लाहौर के अंदर देखें, T20 क्रिकेट में पहले भी आपको कह चुका हूँ कि T20 क्रिकेट ऐसी है कि जिस दिन जो भी टीम अच्छा खेलेगी वही टीम जीतेगी, इसमें ये नहीं कहता कि फलानी टीम जो है, अगर क्वेटा की टीम के पास इतनी अच्छी उनकी टीम कम्बिनेशन बना हुआ तो वो हारेगी नहीं, ऐसा नहीं होता। अब कराची के बारे में लोग यही कह रहे थे कि एक टीम कम्बिनेशन बन गया है, उनको हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन देखें T20 में एक दिन की एक कैच, एक मैंने पहले भी आपको लगा मिस फील्डिंग, और एक इस तरह की जो 2 कैच छोड़े गए बेन डंक के, अगर वो कैच पकड़ लिए जाते, यहाँ कराची की मेन वजह क्या थी कि उन्होंने जो 2 कैच, एक रिजवान ने कैच छोड़ा, एक उनका बाद में, अगर उनकी जगह जो है कोई और प्लेयर होता, अगर बेन डंक जैसे खेल रहे थे कोई और किसी और टीम का प्लेयर हो, तो क्या वो कैच होते या बाकी छूटने थे, जिस तरह की सिचुएशन थी वो? देखिए कैच की, अब देखिए पिछले मैच में, एक मैच में पेशावर और इस्लामाबाद का जब मैच हुआ, तो पेशावर के जो इस्लामाबाद के 5 कैच छूटे, और 5 कैच भी किसने छोड़े, 2 कैच शुएब मलिक ने, जिससे आप ये नहीं कर सकते हमेशा बहुत ज़बरदस्त फील्डर रहे वो, कभी उनके हाथ से कैच नहीं छूटता, उन्होंने कैच छोड़े, फिर उनके लिविंगस्टोन से 2 कैच छूटे। तो कहने का मकसद ये, वहाँ पर पेशावर की टीम के कैसे कि एक मौके पर 195 उनको चेज़ करना था वहाँ पर, तो वो एक किस्म का अपने आप को जो है वो लूज कर चुके थे। लेकिन वहाँ पर मैं यही कहूँगा कि जब आपके पास इस तरह की मौसम की कंडीशन होती है, तो फिर हेड कोच होते हैं, जो मैनेजमेंट होती है, तो वो खिलाड़ियों को ये कहकर भेजती है कि हमने इतने ओवर में इतने रन आगे जाना है, तो अगर बारिश होती है तो हम जीत जाएंगे। तो मेरे ख्याल में पेशावर जलमी ने उस दिन जो हिकमत अमली जो बनाई, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद के खिलाफ इतना बड़ा स्कोर होने के बाद, उनके यही थी कि वो उनसे रन आगे जा रहे थे, तो यही वजह थी जब मैच रुका तो वो मैच 7 रन आगे थे, वो जीत गए। तो T20 में यही होता है कि 1-2 गलत जो है आपके जो है शॉट आपको मैच में जो है वापस ले जाते हैं, और 1-2 जो अच्छे बैट्समैन की जो कैच है वो आप छोड़ देते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा रन हो जाते हैं। अच्छा, कल के मैच में जो देखा गया कि लाहौर कलंदर ने 14 छक्के लगाए, जिसमें 12 छक्के तो बेन डंक के थे, और तकरीबन 10 जो है बाउंड्रीज लगी, चौकों की बाउंड्री लगी। तो मेरे ख्याल से आगे बात करने से पहले क्यों ना वो सिक्सेस देखें जो कि बेन डंक ने लगाए थे, वो सिक्सेस काफ़ी पावरफुल सिक्सेस, और बाकी देख के मज़ा आ रहा था उनको, तो नाज़रीन को पहले दिखाते हैं वो सिक्सेस, आपको दिखाते हैं पहले, फिर आगे बात करें। बहुत ही उठा हुआ जबरदस्त शॉट बेन डंक, he's been pumped out of the ground. Has he got enough of this? He has. There we go again.
This is a glorious gold medals in Pakistan. There are just boundaries everywhere. Holy smoke! He's taking on the guy on the moon. It's full. बड़ी सिक्सेस, कितने बेहतरीन सिक्सेस पूरी इनिंग में मैंने देखा कि इन्होंने लास्ट मैच भी जब खेला था जिसमें 10 छक्के इनके लगे थे और आज ये 12 छक्के अपना रिकॉर्ड उन्होंने खुद ब्रेक किया, तो आउट क्लास सिक्सेस इनके थे। देखिए वही मैंने आपको पहले बताया ना कि उनके छक्के ऐसे थे कि कोई ऐसा छक्का नहीं था कि जो होता है कि बाउंड्री के बिल्कुल करीब गिरा हो या फील्डर के लिए चांस हो उसको रोक भी सकता था या ऐसा होते हैं छक्के, लेकिन इनके बिल्कुल क्लीन हिटिंग थी, कहीं एज नहीं लगा और परफेक्ट जो आपकी यहाँ पर आपको टाइमिंग और सबसे बड़ी बात होती है आपने जो छक्का तो लगाया लेकिन वहाँ आपने परफेक्ट खेला, तो यहाँ जितने भी उन्होंने छक्के लगाए स्पिनर के खिलाफ भी और फास्ट बॉलर के खिलाफ भी वो एक परफेक्ट शॉट थे जिसकी वजह से जो है सारी हिटें जो है कॉन्फिडेंट खेल रहे थे कल बैंटन देखा था, और लेकिन 99 स्कोर उन्होंने किया, एक रन था उनकी सेंचुरी में, एक रन और मिलता अगर वो अपने लिए खेलते हैं तो शायद अपनी सेंचुरी पे ज्यादा। वहाँ पर यही होता है कि बड़े बैट्समैन का यही होता है कि उसने टीम को पहले जिताना होता है, उन्होंने कोशिश ये नहीं की, हालांकि सोए लगता है जब दूसरी तरफ से उन्होंने एक आध चौका और दो एक डबल रन भी लिए थे वो उसको कह सकते थे कि तुम ये एक रन लेके मुझे दे दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो ये चाह रहे थे कि टीम जीते, तो टीम जीतती है तो फिर आगे भी आपको मौका मिलता है। मेरे ख्याल में जो इनिंग्स का लाहौरियों को देखना थी इससे पहले भी देख चुके थे वो बैठने की, और अब जो लाहौर की टीम ने कम बैक किया है तो एक बिल्कुल उनके लिए ओपन चांस इन सिक्सेस से ज्यादा ना एक चीज और जिक्र में आ रही थी, वो बैंडिंग के मुंह में जो एक बबल गम होती थी जिसके बार बार बलून वो बनाते थे, बहुत डिस्कस हुआ इसको। देखिए वो असल में एक बैट्समैन का एक अपना स्टाइल बन जाता है, वो जब भी देखें जब पहले मैच से जब वो खेलने आते हैं तो बबल उनके मुंह में लाजमी होती है और जब तक वो खेल रहे होते हैं वो बबल उनके मुंह में होती है, तो बार बार एक कोई एनर्जी वाली बबल है उससे प्रेस का बाद में जो मीडिया टॉक हुई उसमें पूछा भी गया कि इसका कोई खास वजह, तो उन्होंने कहा बस मैं जब खेल रहा होता हूँ तो मुझे अपना कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए ये बबल मेरे मुंह में होती है, तो यही होता है कि मेरा जो ज्यादातर ये होता है कि मैंने हिट ही करना है, और खासतौर पर उनके कप्तान ने सोहेल अख्तर ने कहा था कि एक प्लान बनाया गया था और उसमें ये कहा गया था कि बैंटन से यही कहा गया है कि आपने जो है ना वो पूरा खुल के खेलना है, आपने पूरी एक प्लान जो बनाया गया था क्योंकि अब लाहौर के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, उनको ये कहता कि जितना भी अगर आउट भी होते हैं तो उनके लिए मसला नहीं था क्योंकि पीछे और भी बैट्समैन थे, लेकिन यहाँ पर मैं आप देखें एक थोड़ी सी बात है, सिर्फ सोहेल अख्तर की ये इनिंग्स उठा लें, बाबर आजम की दो इनिंग्स उठा लें, उसके अलावा शुएब अख्तर की शुएब मलिक की दो इनिंग्स उठा लें, उसके अलावा पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी थोड़ा सा बुझे बुझे हैं, वो इतने रन नहीं कर रहे, ज्यादातर रन आप देख रहे हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी जैसे जेसन रॉय के रन हो रहे हैं, एलेक्स हेल्स के रन हो रहे हैं, यहाँ बड़ा बेहतरीन खेल रहे हैं, बिल्कुल बैंडन रन कर रहे हैं, उसके अलावा वॉल्टन रन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं उनकी बहुत बड़ी जो है ना एक जगह एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है अपने आप को मनवाने का। सबसे बड़ी बात है इसके बाद पाकिस्तान ने T20 खेलने के लिए जाना है इंग्लैंड, फिर उसके बाद आपने एशिया कप खेलना है, फिर उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेलना है, तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह की परफॉर्मेंस होती है तो जो चीफ सिलेक्टर बैठे हुए या सिलेक्टर बैठे हुए वो किस तरीके से तो सिलेक्ट नहीं जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो सिलेक्ट नहीं करेंगे डेफिनेटली, वो तो दूसरी टीमों के प्लेयर हैं जो पाकिस्तान से बाहर की टीम है, जो पाकिस्तानी प्लेयर है उनमें कौन से वही कह रहा हूँ इस PSL में कुछ ऐसी चौंका देने वाली परफॉर्मेंस नहीं है, कामरान अकमल बैटिंग कर रहे हैं लेकिन वो टीम का हिस्सा नहीं है, एक शादाब है वो तो एज अ बॉलर खेलते हैं लेकिन वो बैटिंग में परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो तो एक टीम को ऑलरेडी T20 में आप देखें पाकिस्तान टीम में है ही, लेकिन सबसे बड़ा लम्हा फिक्र ये है कि जब आप जाएंगे तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस किन लड़कों के बेस देखकर किन कैसे उनको मुंतखब करेंगे, अफीज को देखें बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म एक दो मैचेस के अलावा, शुएब मलिक ने भी दो मैचेस मैंने उनके एक में बाहर बैठे, उसके अलावा उनसे भी इतना वो नहीं हो रहा, दूसरे जो बैट्समैन हैं जिनसे आप तवक्को की जा रहे खुशदिल शाह को आपने खिलाया लेकिन उनकी भी कोई इस तरह की बैटिंग परफॉर्मेंस, फखर जमान को आप देख लें आप इनको T20 में देखते हैं लेकिन 133 रन की इनिंग्स के अलावा उनके 7 मैचेस में कोई ऐसी रन्स नहीं है जो आप फखर जमान से कल बड़ी उम्मीदें थी। अच्छा कराची की बैटिंग कैसी रही कल इस पर बात करेंगे, अभी तो हम बात कर रहे थे बैटिंग के सिक्सेस की बात कर रहे थे कि उन्होंने बेहतरीन एक जारहाना खेल उन्होंने दिखाया और बड़े महसूस हुए जो खिलाड़ी जो वहां पर शायकीन क्रिकेट मौजूद थे बहुत इंजॉय किया उन्होंने, लेकिन कुछ ऐसे फनी टाइप के मूवमेंट्स भी थे इस मैच के दौरान वो जिक्र करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। का
جی ناظرین ویلکم بیک ٹو بیلز آف پریزنٹڈ بائی پیپسی. اور یہ مقابلوں کی جو بات چل رہی ہے, کل کے میچ کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ کل کے میچ میں ایک بہترین فنی سا مومنٹ ہم نے دیکھا تھا جو آیا تھا, جس میں بولٹن نے کیچ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ کیچ تو نہیں کروایا, البتہ پلیئر کو انہوں نے گود میں اٹھانے کی ضرور کوشش کی تھی. ودی کیسا مومنٹ تھا وہ؟ دیکھیے اب وہ ایک ان کو اندازہ تھا کہ انہوں نے جب اپنا بینڈنگ نے ہٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ گیند ان کے گلوز سے لگی تھی, تو وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے جا کر کیچ پکڑ لیں, لیکن کیچ ان کے جب انہوں نے ہٹ مارا تو ان کے جسم سے ٹکرایا, تو پھر وہ کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ ہو جاتا ہے کہ جب کھلاڑی جب انہوں نے پھر نہیں ہو پایا تو انہوں نے تفریح میں سوشل میڈیا میں تو بہت زیادہ اس پہ تفریح ہو رہی ہے. وہ دیکھا گیا تھا کہ جب بال ان کے شولڈر پہ گری ہے, اس کے بینڈنگ کے شولڈر کے بعد پھر وہاں سے وہ ڈراپ ہوئی اور والٹن کے سر پہ آگے گری, وہ سر پہ جب گری تو انہوں نے مزید گرپ کر لیا. مزید گرپ وہ ہوتا ہے جب آپ سے نہیں کیچ ہوا, جب آپ اس کو جج نہیں کر سکے تو پھر ایک تفریح میں ایسا, کیونکہ انٹرنیشنل میچز میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, کھلاڑی یوٹنگ کر دیتے ہیں, ایک مومنٹ ہوتا ہے. تو یہ تو ٹی ٹوینٹی کے رنگ اس میں ہوتا رہتا ہے, اس طرح کی باتیں چلتی. کراچی کی بیٹنگ اگر بات کریں کہ کل کے بارے میں صرف ایک پوائنٹ میں بتائیے گا کہ کراچی کنگ نے پرفارم نہیں کیا یا لاہور قلندر نے اچھا کھیلا؟ دیکھیے کراچی کنگ کی اگر بیٹنگ کی دیکھیں تو کراچی کنگ کی بیٹنگ زبردست بیٹنگ, اچھا پرفارم کیا تھا. رنز 187 رنز کم رنز نہیں تھے وہاں پر. آپ ایلیکس ہیلتھ کو دیکھیں, اس نے بڑی زبردست اننگ کھیلی, 48 بالوں پہ 80 رنز کیے. پھر بابر اعظم جو ہے, آپ کو بابر اعظم سے آپ اتنی توقع نہیں کر سکتے کہ وہ لمبی ہٹ کھیل کے چھکا لگائیں گے, کیونکہ وہ آپ دیکھیں جس طریقے سے ون ڈے میں کھیلتے ہیں یا ٹیسٹ میں کھیلتے ہیں, وہ گراؤنڈ اپنا جو کور ایسٹا کور میں جو گراؤنڈ چھوڑ رہے ہیں وہ زیادہ تر وہی کھیلتے ہیں. تو وہاں پر انہوں نے بھی 38 رنز کی اننگس کھیلی, رنز بہت اچھے ہو گئے تھے. اور جو بالنگ کراچی کے میچز میں پیچھے 2-3 میچز میں کراچی کے بالرز گیند کر رہے تھے تو سب کو توقع یہی تھی کہ کراچی آرام سے لاہور کو جو ہے قابو کر لے گا. محمد عامر بہت اچھی بالنگ کر رہے تھے پیچھے 2-3 میچز میں, عماد وسیم بڑی اچھی گیند کر رہے تھے, ان کے عامر جامین کی بڑی اچھی بالنگ ہو رہی تھی, عمر خان بڑی اچھی گیند کر رہے تھے. لیکن یہاں وہی میں کہتا ہوں کہ کسی بیٹس مین کا دن ہوتا ہے, اور خود وہ بینڈک نے کہا کہ آج شاید میرا دن تھا, اور جس طریقے جو میں چاہ رہا تھا وہی ہو رہا تھا. تو اب اس بیٹس مین کا دن تھا, بڑے دل سے کھیلیں. اور جہاں بھی انہوں نے شاٹ دیکھا, دیکھیں جہاں انہوں نے چاہا وہاں شاٹ مارا ہے, اور وہاں ان کا لگا ہے اور پکا شاٹ گیا ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ جب اس میں ایسا نہیں تھا کہ بالنگ کی جو پلیسمنٹ تھی کراچی کنگ کی طرف سے اس میں کچھ اپ اینڈ ڈاؤن دیکھنے. دیکھیں اب یہاں پر تھوڑی سی پرابلم ہوئی, لازمی پرابلم. دیکھیں اب اگر آخر میں دیکھیں کہ جارڈن نے جو بینڈنگ کو آف اسٹمپ پہ گیندیں کرائی ہیں تو آف اسٹمپ پہ تھوڑا سا وہ ہلکے تھے, یعنی کہ اس طرح کی شاٹ نہیں کھیل پا رہے تھے. اگر یہاں پر عماد وسیم کو چاہیے تھا کہ اگر ان کو آف اسٹمپ کی فیلڈ لے کر اگر آف اسٹمپ پہ زیادہ کھلاتے تو میرے خیال میں زیادہ چوکا ہی ہوتا تھا, کیونکہ جو ان کو گیند چاہیے تھی. دیکھیں 12 چھکوں میں سے 10 چھکے ان کے لیگ سٹمپ پہ. آپ دیکھیں یا انہوں نے اسکوائر لیگ پہ مارے یا پھر انہوں نے مڈ وکٹ پہ مارے یا پھر میڈون پہ مارے, تو یہ ان کے چھکے زیادہ ادھر تھے. ایک ان کا سیدھا چھکا تھا اور ایک انہوں نے میڈ آف پہ چھکا مارا ہے. تو میرے خیال میں اگر اچھا کپتان ہوتا یہاں پر, وہاں اس نے یہ کرنا تھا کہ ایک طرف 5 فیلڈر لے کر اگر آف اسٹمپ پہ ان کو گیند کرائی جاتی تو میرے خیال میں اس طرح کے رنز نہیں ہوتے. کپتان نہیں ہے کپتان, دیکھیے کپتانی ہر ایک کو کپتانی آپ پیچھے اس سے کروا رہے ہیں. میرے خیال میں کپتان کی ایک اپنا ایک کپتان جو ہوتا ہے نا وہ نیچرلی کپتان ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس صورتحال میں کون سی کپتانی کرنی ہے. جب ویسے آپ کی ٹیم دیکھیں, جب آپ کی ٹیم جیت رہی ہو نا تو آپ کی تعریف کر رہا تھا یار یہ کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب ٹیم ہارے جب آپ دیکھیں کہاں کہاں خامیاں ہوئی ہیں. یہاں پر آپ کو سیدھا سیدھا ایک اگر کوئی کرکٹ نہیں کھیلتا یا کرکٹ کی سمجھ نہیں ہے وہ بھی آپ کو دیکھ لے گا کہ بین ٹینک زیادہ تر شاٹ جو ہیں لیگ اسٹمپ سے پر کھیل لیتے, تو وہاں ایک اچھا کپتان ہوتا یا اس کو یہ. لیکن سرفراز تو اچھے کپتان ہے نا, پھر کوئٹہ اسی ٹیم سے ہار گئی ہے لاہور قلندر. دیکھیے کپتانی میں یہاں کچھ جگہ پہ کپتانی کام آتی ہے, بہت سی جگہ پہ پھر آپ کی بالنگ بھی. دیکھیں وہاں پر آپ کے بالر چل ہی نہیں رہے, فاسٹ بالر ہیں ان سے گیند ہو ہی نہیں رہی. اب دیکھیں سرفراز ان کو کہہ تو سکتا ہے لیکن سرفراز ان سے گیند لے کے گیند تو نہیں کرا سکتا. اب وہاں نسیم شاہ تھے جس طریقے سے بال کر رہے ہیں ان سے گیند نہیں ہو رہی, محمد اسنین نے اس ٹائپ کی بال جو شروع میں 2 میچز میں انہوں نے بال کی وہ نہیں ہو رہی, ان کے جو دیگر بالرز ہیں جس میں انور علی کو کھلایا وہ بھی نہیں کر پا رہے, محمد نواز سے گیند نہیں ہو رہی, یہاں بین کیٹنگ سے بال نہیں ہو رہی. تو یہاں پر جو بالنگ ہے نا, اگر آپ 200 رنز کرتے ہیں اور آپ کی بالنگ وہ 200 رنز دے دیتی ہے تو پھر میرے خیال میں آپ کو سوچنا پڑے گا کہ بالرز کو کس, کیوں ایک طرف آپ اگر کوئی بہت سارے اچھے جو کپتان ہوتے ہیں, بہت سارے جو بالرز ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں بیٹس مین کو کہ کون سا بیٹس مین کس طرف تگڑا ہے, کس طرف اس کے زیادہ شاٹ جا رہے ہیں, کس طرف وہ لمبا کھیلتا ہے. تو میرے خیال میں وہاں پر قابو کر لینا چاہیے تھا, لیکن یہاں یہ ہوتا ہے جب آپ کا برا دن ہو اور آپ کی بالنگ ساتھ نہ دے رہی ہو, کیچ چھوٹ رہے ہوں, تو پھر تو کچھ نہیں کر سکتے. کل کے جو میچ تھا کراچی کا اور لاہور کا, اس میں دیکھا گیا 24 چھکے لگے اور 27 چوکے لگے. پاورفل جو ہے وہ میچ دیکھنے میں آیا تھا کہ دونوں جانب سے ہٹنگ بھرپور کی گئی تھی. لیکن جو دوسرا میچ تھا ملتان سلطان اور اسلام آباد یونائٹیڈ کا, اس میں دیکھا گیا تھا 9 اوور تک محدود ہو گیا تھا, کوئی اتنا لمبا چوڑا میچ نہیں تھا, جسٹ 9 اوور سے اس میں
तो उसमें भी मुल्तान सुल्तान की जानब से 17 चौके लगाए गए थे और बहुत जल्दी उन्होंने जो टारगेट था उन्होंने अचीव कर लिया था। वो मुल्तान सुल्तान की बैटिंग बहुत अच्छी गई थी। देख कल इस्लामाबाद की जो बैटिंग थी, मेरे ख्याल में 9 ओवर का अगर मैच था तो जिस तरीके से उनकी बैटिंग चलती आ रही थी, मिनरो उसके अलावा जो रॉन्की और शादाब खेल रहे थे, उस तरह की बैटिंग उनकी नहीं हुई। शुरू में आके उन्होंने जल्दबाजी की जिसकी वजह से वो इतने रन नहीं कर सके। एक ओवर मेरे ख्याल में ऐसा था जिसमें अलियास का, जिसमें 16 रन बने, बाकी इतने रन उनके ओवरों में। जुनैद खान को उन्होंने कल खिलाया, देखें जुनैद खान ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया, जो वहाँ पर उसने 2 आउट भी किए और वहाँ पर उसने रन भी रोके। तो मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान की टीम का एक कम्बिनेशन जो है वो बैटिंग बॉलिंग में ये बन चुका है और वहाँ वो परफॉर्म कर रहे हैं। और इस्लामाबाद को एक बार देखें, मेरे ख्याल में मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने चेंजिंग जो की है, एक बार फिर जो है माद बट को लेके आ गए और जफर गौर आलम के दीप पे 2 मैचेस में देखें इतनी ज़बरदस्त वो गेंद कर रहे थे, उसके आगे 4-2 मैचेस में उनके रन उठा कर देखें तो उन्होंने इतने रन भी नहीं दिए। मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने जफर गौर को क्यों बार बैठाया। मुल्तान की बॉलिंग में शाहिद अफरीदी की बॉलिंग भी खास नहीं चली थी, एक ही ओवर कराया था उन्होंने 20 ओवर। देखिए शाहिद अफरीदी एक वही मैं कह रहा हूँ, शाहिद अफरीदी ने ओवर कराया, उसमें 3 छक्के उनको पड़ गए, 20 रन उन्होंने दिए। लेकिन यहाँ इमरान ताहिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। देखिए इमरान ताहिर ने वो बॉल किया है क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन मिनरो जो थे वो समझ रहे थे कि उनकी गेंद लेग स्पिन होगी और वो वही मिड विकेट या स्क्वायर लेग में मारेंगे, लेकिन वहां पर उन्होंने ज्यादातर गुगली की है। तो गुगली पे जो है उनकी बैट्समैन, जितने भी बैट्समैन उन पे परेशान हुए हैं इमरान ताहिर पे, या 2 उन्होंने आउट किए वो गुगली पे आउट किए। तो यहाँ पर वही था कि आपने बैट्समैन को देख कर करना कि बैट्समैन किस तरफ जा रहा है किस तरफ नहीं जा रहा। तो यहाँ थोड़ी सी चलाकियाँ भी काम आती हैं, चाहे वो बॉलर्स की तरफ से हो या बैट्समैन की तरफ हो। तो ये मेरे ख्याल में कल के मैच में इस्लामाबाद ने ना तो बैटिंग अच्छी की और ना ही उनकी बॉलर जो है उस तरह की बॉल कर पाए। क्या वजह इस्लामाबाद ने पीछे क्यों हो रही है? देखिए एकदम आप क्योंकि अब देखने में ये आ रहा है कि इस्लामाबाद का जो कहते हैं प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करना भी काफ़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल। देखिए ना, आप एक मैच उनका बाकी है, उनके जो एक मैच उनको टोटल 7 पॉइंट है। अगर मैच अगर वो जीतते भी हैं तो 9 पॉइंट्स होंगे, और 9 पॉइंट्स होंगे और 9 पॉइंट्स के साथ बारिश हो गई, बारिश हो जाती है तो ये भी मसला नहीं। अब तो मैच कराची में, तो मुझे लग रहा कि बारिश क्योंकि कराची में इतना मौसम अच्छा है तो यहाँ पर बारिश के इम्कान तो नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में जो 9 पॉइंट्स उनके हो जाएंगे, और यहाँ पर अगर अब 2 मैचेस जो हैं वो क्वेटा को भी जीतना लाजमी है। अगर क्वेटा की टीम देखिए कहते हैं कि लास्ट पॉइंट पर आया हुआ, उसके भी देखिए 8 मैचेस में उनके जो हैं वो 6 पॉइंट हैं। अगर 2 मैच वो जीते हैं तो उनके 10 पॉइंट होंगे, तो यहाँ ये भी फंसे में। उसके अलावा लाहौर कलंदर के अभी 3 मैच बाकी हैं, 3 मैचों में अगर तीनों जीते हैं तो उनके 12 पॉइंट हो जाएंगे। उसके अलावा कराची किंग को देखें तो उन्होंने उनके भी 3 मैच बाकी हैं, 7 पॉइंट हैं। अगर वो तीनों मैच जीते हैं तो 13 पॉइंट हो जाएंगे। उसके अलावा जो पेशावर जलमी है वो ऑलरेडी उसके 2 मैच बाकी हैं और 9 पॉइंट उसके हैं। तो अभी पेशावर के पास बहुत अच्छा, यानी कि इतना पीछे नहीं है, एक मैच जीत के भी वो अपर एंड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कहता हूँ 2 टीमें बहुत ज्यादा फंसी हुई है, खासतौर पर इस्लामाबाद और कोयटा की टीम को, दोनों को आउटसाइड में देखा गया तो इस्लामाबाद और कोयटा काफी स्ट्रांग थी। दो टीमें शुरू में उन्होंने मैचेस खेले, लेकिन उसके बाद उनकी टीम जो है, अब तो कोयटा की टीम पिछले जब शुरू हुआ था इवेंट उस वक्त से भी इतराज़ कर रही थी, अब बीच में भी उन्होंने इतराज़ किया, कल भी उनका एक इतराज़ सामने आया, खत बकायदा तौर पर दोबारा उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिखा कि ज़्यादातर उनको प्रॉब्लम ये हुई है कि उनके खिलाड़ियों को पिंडी से मुल्तान, मुल्तान से लाहौर, लाहौर से कराची सफ़र बहुत ज़्यादा करना पड़ा और अगले दिन उनको मैच खेलने पड़े। एक दो मौके पर ऐसा हुआ कि एयरपोर्ट पर टीम 3-3, 4-4 घंटे बैठी रही, वापस चली गई। लेकिन ये लाहौर से लाहौर से जब देखिए लाहौर से एक जो मैच हुआ था उससे पहले उनको फ्लाइट नहीं मिली और वो बाय रोड जो है 5-6 घंटे का सफ़र करने के बाद आए। तो ये देखें जब टीमें हारती हैं प्रेशर में जाती हैं उनकी, मेरे ख्याल में आप देखें ना उनके जो बैट्समैन हैं खासतौर शेन वॉटसन फॉर्म में नहीं है, आपके आजम खान ने 2 मैचेस में रन किया, आपने सर पे उठा लिया कि बहुत रन किए, उसके बाद से आप बिल्कुल नाकाम हो रहे हैं, आपकी बैटिंग नहीं चल रही। एलेक्स उसका क्या नाम है, जेसन रॉय जो है 1-2 इनिंग्स खेली लेकिन वो भी नहीं है। अहमद शहजाद से बिल्कुल बैटिंग नहीं हो रही। यहाँ पर आपके बॉलर्स जो हैं वो भी सही तरीके से बॉल नहीं कर पा रहे, जिसमें नसीम शाह आपको खुद है तो ये जो रीज़न दिया जा रहा है कोटा की जानिब से कि हम लोग थके हुए बहुत ज़्यादा हैं, हमें ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ी है, ये रीज़न वैलिड है? देखिए इनके जो ओनर थे, तो जब पता है कि एक शेड्यूल है, तमाम तो चीज़ें रेडी हैं पहले से, पता है कि पहले देखिए पहले जब ये शेड्यूल हुआ था तो उस वक्त भी इन्होंने जो है एतराज़ किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बकायदा तो कहा था कि हमारे कुछ ऐसे मैचेस किए जाएं कि ताकि हमें ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े, तो पहले भी कह चुके थे। देखिए सफ़र करने के बाद जब आप टीम आज पहुंची है और कल आपने मैच खेला तो बहुत सारी खिलाड़ियों को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है। अब पिछले दिनों उनकी जो जब मैच आ रहे तो विमेन रिचर्ड की उनकी सालगिरह भी उन्होंने मनाई, लेकिन वो उस तरीके से नहीं मनाई जैसे पिछले साल उन्होंने मनाई थी, वैसे नहीं मनाई क्योंकि हारे हुए थे और हार के
आप किस तरीके से आप जश्न मना सकते हैं, बहुत सारी बातें भी निकल आती हैं बाहर। तो बस एक हल्की फुल्की उन्होंने तकरीब सजाई जिसमें कुछ लोग थे और उन्होंने उनकी सालगिरह मना दी। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर क्वेटा ने जो क्रिकेट अच्छी नहीं खेली, सबसे बात है ना उन्होंने बैटिंग में क्रिकेट अच्छी खेली है, ना फील्डिंग उनकी इस तरह की रही है और ना ही उन्होंने स्टार्टिंग की स्ट्रेटजी थी वो तो बहुत मजबूत थी। शुरू देखिए ना शुरू में दो मैचेस आप अच्छा खेलते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल ही आपकी कारकर्दगी को ब्रेक लग जाता है। मेरे ख्याल में यहाँ पर टीम मैनेजमेंट जो होती है उसको कुछ करना पड़ता है। विवन रिचर्ड उस तरह का देखे ना, जब पहले PSL होता था विवन रिचर्ड किस तरीके से बैकअप किया करते थे खिलाड़ियों को और सब वो करते थे, लेकिन वो चीज़ अब उनके डग आउट में भी नज़र नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में अब क्वेटा के लिए एक शिकस्त अगर होती है तो मेरे ख्याल में क्वेटा ऑलरेडी पहले से ही उसके बाद बहुत मुश्किल आते हैं और फिर वो इवेंट से बाहर भी हो सकता है। तो अगर वो जीते हैं अब जो देखिए एक टीम तो क्वालिफाई कर चुकी मुल्तान सुल्तान की टीम, आप पांच टीमों में से दो तीन टीमों ने जाना है और उन तीन टीमों में कराची किंग की पेशावर की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। अब बाकी ये दो टीमें इन मुल्तान क्वालिफाई कर चुकी है, बाकी तीन टीमें कौन सी हैं जो कि प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगे इस पर डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन प्रोग्राम बिल्स ऑफ में एक बार फिर खुश आमदीद प्रेजेंटेड बाय पेप्सी और इस प्रोग्राम में जिक्र चल रहा है कुछ पॉइंट्स टेबल का कि कौन सी टीम कितने पॉइंट लेके कहां पहुंची है और कहां कहां कौन सी टीम खतरे में है, किस पे खतरे की घंटी लटक रही है। तो इस वक्त मुल्तान सुल्तान के जो पॉइंट्स हैं वो 7 मैच खेल के 11 पॉइंट्स हैं, जबकि पेशावर जलमी के 8 मैच खेल के 9 पॉइंट्स हैं और इस्लामाबाद के 9 मैच खेल के 7 पॉइंट, जबकि कराची किंग के 7 के साथ 7 पॉइंट हैं और लाहौर के भी 7 मैच हो चुके हैं और 6 पॉइंट है, जबकि क्वेटा सबसे आखिर में 8 मैच खेलने के बाद 6 पॉइंट्स पर है। तो इस वक्त ये देखना है कि मुल्तान सुल्तान तो क्वालिफाई कर चुका है, बाकी कौन सी 3 टीमें हैं जो कि क्वालिफाई करके आगे पहुंचेंगी। और मेरे ख्याल से वदी पेशावर जलमी इस्लामाबाद कराची किंग लाहौर और क्वेटा, आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम आगे पहुंच सकती है? देखिए कल जो मैच होगा जिसमें पेशावर और लाहौर का मुकाबला, पेशावर और लाहौर का, तो यहाँ पर एक टीम एक सूरतेहाल क्लियर हो जाएगी। अगर पेशावर की टीम जीती है तो उसके 11 पॉइंट हो जाएंगे और एक मैच बाकी भी होगा तो उसके चांस जो है वो 90% जो है हो जाएंगे कि ये दूसरी टीम बन सकती है क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर लाहौर की टीम जीत जाती है और लाहौर के फिर 8 पॉइंट हो जाएंगे और वहाँ पर पेशावर के लिए एक बार फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ कल का जो मैच है ना वो लाहौर के अंदर और पेशावर जलमी के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर एक भी टीम लॉस करती है, जैसे लाहौर की टीम लॉस करती है तो फिर उसको और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और पेशावर की टीम अगर लॉस करती है तो उसको इसलिए झटका लगेगा कि अगर वो हार जाते हैं तो फिर उनको आखिरी मैच जीतना है और अच्छे रन रेट से जीतना है। फिर आप 11 पॉइंट्स पे खड़े होंगे और आपका रन रेट इस वक्त भी जो है माइनस पे चल रहा है पेशावर जलमी के, सिर्फ माइनस में। देखिए सवाए मुल्तान सुल्तान जो जीत रहा है उसका रन रेट बहुत अच्छा है, उसके अलावा इस्लामाबाद का तो है माइनस में नहीं है, माइनस में नहीं है, बाकी तमाम टीमों का जो रन रेट है वो माइनस में है। तो यहाँ पर क्योंकि इस्लामाबाद का एक मैच बाकी है, अगर इस्लामाबाद अपने पॉइंट एक मैच जीतने के बाद 9 पॉइंट कर लेता है, प्लस में नहीं है, उस रन रेट जो है उनका माइनस से बाहर है। लेकिन अगर जीत जाते हैं 9 पॉइंट हो जाते हैं, लेकिन दूसरी टीमों के पास एडवांटेज ये है कि उनके मैचेस बाकी हैं, मैचेस ये कराची दो मैचेस बाकी हैं, लाहौर के 3 मैचेस बाकी हैं, कराची के 3 मैचेस बाकी हैं, कोटा के भी 2 मैच हैं। बिल्कुल, अब कराची को तीनों मैचेस जो है कराची में खेलने उनके पास एडवांटेज है, ठीक है। अगर वो उनकी इस वक्त 7 पॉइंट है, अगर 7 में से वो 3 मैचेस में से 2 मैच भी जीत जाते हैं तो ऑलरेडी उनके 11 पॉइंट वैसे ही हो जाएंगे और पेशावर की टीम अगर कल जीत जाती है उसको 11 पॉइंट हो जाएंगे, हारती है तो फिर उसके वही जो उनके पॉइंट हैं 9 वो रहेंगे। और इसी तरीके से बताऊं कि जो अब जो टीमों की परफॉर्मेंस है ना और जो यहाँ पर आपको क्लियर सूरत हाल उस वक्त नज़र आएगी कल जो मैच होगा पेशावर और लाहौर का, यहाँ से जो टीम जीतती है अगर पेशावर जीतती है तो फिर तो एक थोड़ा बहुत वाजे हो जाएगा कि पेशावर की टीम दूसरी टीम बन सकती है, लेकिन यहाँ लाहौर अगर जीतती है तो फिर ये टूर्नामेंट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फिर अगला जो मैच इस्लामाबाद ने खेलना है क्वेटा के साथ, उसमें अगर इस्लामाबाद की टीम हार जाती है तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के लिए आखिरी मैच है, उनके लिए फाइनल की हैसियत रखता है। अगर कल जीते हैं तो ठीक है, वरना अगर हार गए तो मेरे ख्याल में टीम इवेंट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 7 पॉइंट के साथ आपके 10 मैचेस में 7 पॉइंट है तो कोई भी टीम अगर ऊपर आ जाती है। स्टार्टिंग में देखा गया इस्लामाबाद बहुत फेवरेट टीम चल रही थी कि इस्लामाबाद जो है वो क्वालिफाई करेगी आगे के लिए, लेकिन बैड लक कहें से या क्या कि और गुड लक उसकी लाहौर कलंदर की कि लाहौर ने जिस तरह परफॉर्म किया, लेकिन एक चीज़ है वदीश में कि लाहौर ने परफॉर्म किया ठीक है आगे आए पिछले मैच में जिसमें बैंडंग के उसमें भी 10 छक्के थे,
फिर उसके बाद अगला ही मैच जो है वो हार गई, फिर दोबारा उसने कल परफॉर्म कर दिया। अब क्या बाकी जो उसके तीन मैचेस हैं इसमें क्या परफॉर्म करती है आपको नजर आ रही है या वही बस एक लक लग जाएगा? मेरी बात सुनिए, मोराल जो है ना, एक जब आप एक जीतते हैं और एक अच्छी जीत मिलती है आपको तो उसके बाद आप बिल्कुल ऊपर हो जाते हैं, तो बहुत सारी फिर आपका एतमाद जो होता है, खिलाड़ी भी जोश में आ जाते हैं, फिर उनकी मैनेजमेंट उनको जो है वो काफ़ी जो है सपोर्ट कर रही होती है कि अब यहाँ तक आ गए। कुछ पीछे देखें, पीछे मैंने आपको पहले कहा था कि अगर माजी को देखते रहेंगे लाहौर वाले तो फिर आगे जीत उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, लेकिन उन्होंने खुद उनके कप्तान ने कहा कि हम पिछली हार को भूलकर आगे की तरफ देख रहे हैं कि अब आगे जो इवेंट बचा है वो हमारे लिए डू एंड आई है। तो यहाँ मैं वही कहूँगा कि कल लाहौर की टीम अगर मैच जीत जाती है तो मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा, फिर कराची को भी मैच जीतना लाजमी हो जाएंगे। फिर अगर कल लाहौर की टीम मैच जीती है तो मैं जो टूर्नामेंट है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, लेकिन देखना ये है कि अगर डंक के अलावा कोई ऐसा प्लेयर है लाहौर के अंदर जो कि ऐसी सिचुएशन में जब बिल्कुल प्रेशर है टीम पर कि जीतने मैच ज़रूरी है परफॉर्म कर सकता है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू बेल्स ऑफ प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, और हम जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले कि लाहौर के पास ऐसे कौन से प्लेयर हैं डंक के अलावा जो कि परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जो अगला मैच होने जा रहा है उस मैच में जलमी के साथ उनका मुकाबला होगा और जलमी पॉइंट्स टेबल पर काफी बेहतर टीम है, लेकिन जलमी के लिए भी मैच जीतना बहुत जरूरी है। बदी लाहौर के पास डंक के अलावा और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पर लाहौर डिपेंड कर सकता है? देखिए, उनके कप्तान जो है सुहेल अख्तर बड़ा जो है अच्छी, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इनिंग खेली उसमें काफ़ी एतमाद हुआ होगा। मोहम्मद हफीज़ से इनको काफ़ी उम्मीदें, एक मैच में 98 रन उन्होंने किए, दूसरे एक मैच में 39 किए, लेकिन वो पूरी तरीके से जो मैच परफॉर्म नहीं कर सके। समित पटेल एक ऐसा प्लेयर है उनके पास बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, ये जो है लाहौर के लिए बहुत ज़बरदस्त कर सकता है। उसके अलावा बॉलिंग में आपके पास जो शाहीन आफरीदी हैं उनकी अगर ओवर अच्छे हो जाते हैं वो बड़े कारामद आपके लिए होंगे। तो मेरे ख्याल में उनके जो गुज़िश्ता रोज़ उनके लेग स्पिनर थे फरजान, उन्होंने राजा, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो लाहौर की टीम है उनमें बेंडंग के अलावा उनके कप्तान सुहेल, मोहम्मद हफीज़ भी जो है अगर फॉर्म में आ जाते हैं वो ज़बरदस्त हैं, समित पटेल जो है उनके लिए अच्छी वो कर सकते हैं, इसके अलावा उस्मान चनवारी अभी तक उनको एक दो मैचेस में मौका मिला है, अगर वो आते हैं तो अगर फास्ट बॉलर में मेरे ख्याल में अगर शाहीन शाह अफरीदी और उस्मान चनवारी अगर पेस अटैक इनके पास है अच्छा, इनको अगर खिला लेते हैं तो मेरे ख्याल में उनकी टीम जो है काफ़ी बैलेंस नज़र आती है। अच्छा, आने वाले जो मैचेस हैं वो कराची में होंगे, जो पिछली पिचेस गुजरी हैं वो तो पिंडी की और मुल्तान की और लाहौर की पिचेस गुजरी हैं, वहाँ पर मौसम कुछ ऐसा था कि बारिश वाला मौसम और फिर नमी थी पिचेस पे, जो है वो देखा गया कि बारिश के बाद पिचेस भी गीली, आउटफील्ड गीली हो जाती। कराची का मौसम जो है टोटल अपोजिट है, तो यहाँ पर आकर इनको स्ट्रेटेजी डेफिनेटली चेंज करनी पड़ेगी अपनी कि जब कराची में आते हैं तो किस तरीके से मैच खेलते हैं, बॉलिंग पिच है नहीं है, बैटिंग पिच है नहीं है, क्योंकि अभी तक ये देखने में आया कि जिसने टॉस जीता ज़्यादातर फील्डिंग की, तो कराची के ग्राउंड में आने के बाद क्या उनको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी? बिल्कुल, देखें वहाँ पर तो ये था ना कि पिंडी, मुल्तान और जो लाहौर हैं वहाँ पर मैं आपको पहले बताया कि ड्यू फैक्टर होता था जिसकी वजह से बाद में जो टीम बैटिंग करती थी उसको बड़ी आसानी होती थी क्योंकि मुश्किल नहीं होती थी। तो यहाँ कराची का मौसम जो है ना बिल्कुल चेंज है, तो यहाँ ये होगा कि सुबह से ले कर शाम तक धूप भी रहती है, विकेट जो है पहले भी जो तीन मैचेस यहाँ पर हुए उसमें भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर बैटिंग विकेट बनाई गई थी, बाउंड्री जो है वो 70 गज़ की रखी गई थी ताकि शायकीन को अच्छी सी अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगी कि कोई भी टीम टॉस जीते, मेरे ख्याल में कराची में अगर कोई भी टीम टॉस जीती है वो पहले जो है वो बैटिंग को तरजीह देती है, वो इस वजह से देती है कि यहाँ कराची की विकेट जो शुरू में खेलती है तो उसमें ये होगा क्योंकि यहाँ नमी का कुछ नहीं है, ड्यू फैक्टर नहीं है और बिल्कुल जो विकेट बनाई गई होगी और बिल्कुल एक होता है कि वो ना इस शुरू में फास्ट बॉलर को भी इतना वो हेल्प नहीं करती, तो मेरे ख्याल में जो कराची बिल्कुल अलग से चेंज हो जाएगा और यहाँ पर जो भी टीम बैटिंग टॉस जीतती है मेरे ख्याल में वो बैटिंग करेगी, तो वो वाली जिस सिचुएशन जो मुल्तान और पिंडी मुल्तान में थी वो वैसी यहाँ कराची में नहीं होगी। अच्छा, क्वालिफाई राउंड की बात करें, क्वालिफाई राउंड में मुल्तान तो पहुँच चुका है, बाकी कोई भी टीम पहुँचती है वो देखते हैं जिसका लक चलेगा वो टीम पहुँचेगी। क्वालिफायर के बाद फिर एलिमिनेटर राउंड है, तो इसका थोड़ा सा नाज़रीन को ये क्यों ना बताएं कि किस तरीके से टीमें जो है क्वालिफाई करके फाइनल तक पहुँचेंगी और कौन सी टीम फाइनल में जाएगी अगर हम ग्रुप के हिसाब से? उसमें ये होगा कि देखिए अब एक टीम जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है, अब तीन टीमें पांच टीमों में से ये टीमें जैसे जैसे ऊपर आती रहेंगी तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन सी चार टीमें, तो चार टीमें फाइनल जब होंगी तो जो पहली और दूसरी पोजीशन की टीमें होंगी वो पहले मैच खेलेंगी क्वालिफाई राउंड, उसमें से जो टीम जीतेगी वो डायरेक्टली जो है फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, लेकिन दूसरी टीम जो हारती है दूसरी जो टीम हारती है वो भी बाहर नहीं होगी, उसको एक चांस और मिलेगा।
जब तीसरे और चौथे नंबर वाली टीम होगी उनका मैच होगा और उसमें से जो टीम जीतेगी वो हारी हुई टीम के साथ खेलेगी और उनमें से जो जीतेगा वो फाइनल में मुकाबला करेगा। ये सिचुएशन वो उस तरीके की नहीं जैसे सेमीफाइनल होते हैं एक ने जीतना है, ये मतलब चार टीमें जो पहुंच जाएंगी उन चार पहली दो पोजीशन में पहुंचने के बाद फिर से इम्तिहान, फिर मुल्तान का इम्तिहान फिर होगा। देखिए मुल्तान का इम्तिहान होगा फिर इम्तिहान, देखिए चांस है ये तो बड़ी बात है कि एक पहले और दूसरे नंबर की टीमें सेमीफाइनल में आप खेलते हैं तो आपकी टीम गई तो गई, लेकिन यहाँ आपको चांस दो बार मिलेगा, हारते हैं तो भी आपके पास मौका है, जीत गए तो आप फाइनल पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पहले और दूसरे नंबर वाली जो टीम होगी ना उसके बाद जो है बड़ा जबरदस्त मौका है, लेकिन तीसरे और चौथे पोजीशन वाली के लिए दो मैच जीतना लाजमी होंगे क्योंकि जो टीम हारेगी वो बाहर हो जाएगी और जीतेगी उसको फिर एक और मैच खेलना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन होती है पीएसएल में जो क्वालिफाई। अच्छा वदी इसकी बात कर लेते हैं कि वनडे कप भी होने जा रहा है गालिबन 25 मार्च से हो रहा है। जी जी वनडे कप में शर्जील को सेलेक्ट नहीं किया गया और भी सिलेक्शन में कौन कौन से उसमें देखिए वनडे कप शुरू 25 मार्च से शेड्यूल है, कराची में होंगे, फैसलाबाद में, दिग्गज शहरों में मैचेस होंगे, लेकिन यहाँ पर वही जो सिचुएशन है यहाँ शर्जील खान का नाम लिया जा रहा था, उनको पीएसएल में लिया गया था कि पीएसएल में परफॉर्म करते हैं तो फिर उनको आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर शर्जील खान ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है उनको किसी भी टीम ने सिंध, पंजाब, नॉर्दर्न, खैबर पख्तूनख्वा जो टीमें बनी है उसमें किसी भी टीम का वो हिस्सा नहीं है। उसके अलावा शुएब मलिक बड़ा नाम है लेकिन वो भी रिजर्व प्लेयर में है। सलमान बट जो हैं उनको भी अभी तक किसी टीम ने जो है वो नहीं किया। उमर खान जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर थे कराची के, उनका भी वो था कि उस बार टीम में होंगे लेकिन उनको भी किसी टीम ने नहीं लिया है। तो अब देखें एकदम T20 के बाद जब वनडे कप होगा तो वहाँ किस तरह की परफॉर्मेंस खिलाड़ियों की होती है। ये अच्छा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है मुसलसल खिलाड़ियों को क्रिकेट दे रहा है ताकि वो आगे की तरफ आएँ, लेकिन इस पीएसएल में मैं पहले भी आपको बिलाल कह चुका हूँ कि इस पीएसएल में जो तवक्को मिसबा अलग या चीफ सिलेक्टर हैं वो और जो दीगर सिलेक्टर हैं या लोग चाह रहे थे उस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरफ से देखने में नज़र नहीं आई। अब देखते हैं कि जब ये पीएसएल ख़त्म हो जाता है उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ T20 होता है उसमें कौन से किस तरीके से क्या क्राइटेरिया होगा, से भी जारी बात है सिलेक्शन होगा, डोमेस्टिक से भी देखा जाएगा जो मैचेस होने जा रहे हैं। डोमेस्टिक को देखना चाहिए, मैंने कहा डोमेस्टिक आप खिला रहे हैं तो डोमेस्टिक में खिलाड़ी की परफॉर्मेंस देखकर उनको सिलेक्ट करना चाहिए, लेकिन इस जो पीएसएल में मुझे नहीं लग रहा कि ना कोई बॉलर इस तरह की परफॉर्मेंस, ठीक है वनडे कप भी होने जा रहा है उसके लिए टीमें कहां से सिलेक्ट होती हैं, कौन से प्लेयर सिलेक्ट होते हैं ये भी वक्त के साथ सामने आ जाएगा। और आज तो मैच में गैप था और कल एक मैच खेला जाना है जिसमें जलमी और लाहौर मध्य मुकाबले होंगे जबकि परसों मुल्तान और क्वेटा का मैच है। प्रोग्राम बेल्स ऑफ से मुझे और बदी समा को इजाजत दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे और कल के मैच पे जिक्र डिस्कस भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।